हम सभी जानते हैं कि अनंत अंबानी की प्री वेडिंग पर बॉलीवुड का एक एक पॉपुलर सितारा वहां पर पहुंचा हुआ था। वहां पर आप सभी को बता दें कि सलमान खान तो पहुंचे ही थे, साथ ही अभिषेक बच्चन की वाइफ ऐश्वर्या राय बच्चन भी पहुंची हुई थी, जहां पर दोनों की एंट्री एक साथ ऐसी एक टाइम पर होती है कि क्या ही बात की जाए। वहीं पर आप सभी को बता दें कि सलमान खान का हमारा अंदाज भाई अलग ही लेवल का होता है, जो कि उन्होंने इस तरह का इग्नोर मारा है उस वीडियो में आप सभी को दिखाते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर, जहां पर आप सभी जानते हैं कि इन दिनों 3 से 4 दिनों से लगातार हर जगह सोशल मीडिया पर अंबानी साहब ही छाए हुए थे। मतलब कि मोटा भाई ने तो भाई इतना मोटा पैसा खर्चा किया है कि जितने में 10 फिल्म बन जाती हैं उतने में एक प्री वेडिंग हो रही है। अभी तो शादी होना बाकी है जो कि जुलाई में होगा। शादी में क्या होगा वो तो आप सब सोच ही सकते हैं। जहां पर प्री वेडिंग पर 1000 करोड़ रुपए खर्चा किया है तो भाई मोटा भाई आगे क्या करेंगे वो तो भगवान ही जाने। जहां पर आप सभी जानते हैं कि पैसे की कोई भी कमी नहीं है, मतलब कि क्या ही बात की जाए। बॉलीवुड का हर एक सितारा वहां पर पहुंचा, साथ ही इंटरनेशनल लोग भी पहुंचे हुए थे। बात ही की जाए वहां पर आप सभी को बता दें कि फेसबुक के मालिक, साथ ही माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ भी वहां पर पहुंचे हुए थे। कहीं ना कहीं भाई पैसा तो सच में काफ़ी ज़्यादा है भाई, कहीं ना कहीं कहा जाए तो। वहीं आप बात करते हैं कि सलमान खान की वीडियो को, जहाँ पर आप सभी को बता दें कि सलमान खान बाहर निकल रहे होते हैं और ऐश्वर्या राय अंदर आ रही होती हैं। ये क्लिप आप सभी को बता दें कि एयरपोर्ट की है, जहां पर सलमान खान जा रहे होते हैं और अभिषेक बच्चन मतलब कि बच्चन पूरी फैमिली एक साथ वहां से आ रही होती है, जहां पर सलमान खान और ऐश्वर्या राय एक साथ टकराते हैं। लेकिन उनका अंदाज भाई एक दूसरे को एक भी नज़र नहीं मिलाई। कहीं ना कहीं ये चीज़ यार, कहीं ना कहीं क्या लगता है आपको, क्या सोचते होंगे सलमान खान जब उनको देखते होंगे? फिलहाल आप सभी बताएं कि इस पूरी अपडेट को लेकर क्या कुछ कहना चाहते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में लिखना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें एंड इसी तरह के लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलता हूँ स्टूडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।